बॉल सही नहीं आई। आजादी की पहली लड़ाई की 150वीं जयंती थी। पर भोपाल में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय लोक रंग महोत्सव में प्रस्तुतियाँ ले इंटरनेशनल स्कूल से हमारे निदेशक श्री नेगी जी यहाँ पर हैं। मैं आपको भी मंच पर आमंत्रित करूंगी। ले इंटरनेशनल स्कूल गीता के निदेशक और प्रधानाचार्य श्री एस एस नेगी जी, राजकीय उच्च कॉलेज की प्रधानाचार्य श्रीमती माया चंद्रा जी, तालियों का क्रम बरकरार रहे तो अच्छा लगेगा। आप सब की तालियों के बीच रचना दिवस महोत्सव का शुभारंभ किया गया। और इसी दीप प्रज्वलन के साथ, इसी दिए की रोशनी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल का ये हर एक पल, हर एक लम्हा आप सबके जीवन में भी ऐसे ही उजाला लेकर आए, ऐसे ही रोशनी करे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी सम्मानित। हम जानते हैं कि हमारी जो कुमाऊं की परंपरा है, जो गीतों की नृत्य की, वो धीरे धीरे लुप्त होती है। उन्हीं में से एक ये गीत है संध्या गीत। हमारे समाज में हमारे जो स्त्रियां हैं, ढलती शाम में संध्या गीतों को गाया करती है। बिहार के कलाकार, जैसा कि विमान का ये प्रयास रहा है कि वो अपनी लोक कलाओं को संजो करके रखे और लुप्त कलाओं को बचाने का प्रयास करे, इसी श्रृंखला विमान के ये कलाकार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं संध्या की। तो आइए तालियों से स्वागत कीजिए विमान के कलाकार। Thank you.
जो फूल होते हैं, जो रंग होते हैं, जो प्रकृति अपने पूरे शबाब में होती है, उसे एक लोक कलाकार, एक लोक जो गायक है और लोक गीत का रचने वाला है, वो उसे संजोता रहता है, देखता रहता है। तो ऐसा ही कुछ प्रयास हमारे बिहार के कलाकारों ने किया है इस बसंत गीत में। तो आइए इस रंगों के भरे हुए कार्यक्रम में हम देखते हैं कि कैसे हम इन रंगों को जो प्रकृति में बिखरे हुए होते हैं, उन्हें हम इन अपने स्पीच में किस तरह से कलाकार अपनी कला की अभिव्यक्ति करते हुए बिखेरते हैं। हमारे जो लोक नृत्य है उसमें रुमाल का बड़ा महत्व है। हम लोग नृत्य करते हुए रंग बिरंगे रुमालों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम उन प्रतीक रंगों को आप लोगों के सम्मुख ला सकें और अपने अंदर का उल्लास, अपने अंदर का जो उत्सव है, उसे हम रंगों के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकें। तो आइए प्रस्तुत करते हैं बसंत। Thank you.